आपके और जो आप कंट्रोवर्सी चल रही है उमर रियाज ने जो कहा है आसिम के रिलेशनशिप के बारे में, सो आप कब से उमर रियाज को जानते हैं, आपका कब से रिलेशन था, कब से फ्रेंडशिप थी आपकी? मैं उमर रियाज को जानती हूँ मार्च 2019 से, और मेरी आई गेस लास्ट उनसे बात हुई थी सितंबर में, अगस्त एंड या सितंबर में। तो जितने टाइम मैं उनके साथ थी, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मतलब जब वो मुझे आसिम के घर पर उन्होंने बुलाया था, तो आसिम का कुछ बर्थडे पार्टी था, तब हम लोग गए थे। तो जब आसिम को मैं मिली थी, तो उमर ने मुझे यही बोल के इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरा भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और उन्होंने यही बोला था कि वो दोनों वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनकी एक और भी रूममेट है जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, लोग हमेशा गलत चीज़ को हाईलाइट पहले करते हैं। मेरा प्रॉब्लम कभी आसिम से नहीं था शो में कि आसिम ऐसा है आसिम वैसा है। मेरा बस प्रॉब्लम ये था कि आसिम एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिनको मैंने पिछले 10 दिनों में कम से कम 10 बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए देखा है। कभी उन्होंने बोला कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, फिर जब सलमान खान ने उनसे पूछा तो बोला कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन मैं ब्रेकअप करके आया हूँ। अभी रिसेंटली विकास गुप्ता ने एक ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि वो आसिम जो है वो सिद्धार्थ के साथ स्पेसिफिकली बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सिद्धार्थ ने पूछा गर्लफ्रेंड है, तो उसने बोला कि हाँ है, ऑन ऑफ चलता रहता है। तो या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लियर रहो। सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या लेना देना उसकी पर्सनल लाइफ से, तो मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये शो ऐसा है कि आप उस शो के कंटेस्टेंट हो, एंड एज अ व्यूअर मुझे पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने की, तो मैं अपना बस ओपिनियन रख रही हूँ। और अगर मुझे किसी कंटेस्टेंट के बारे में कोई चीज़ पता है, तो आई एम श्योर मैं उस चीज़ को लोगों के सामने लाना चाहूँगी, क्योंकि लोग इस शो को बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, पागलों की तरह वोट्स करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सोच समझकर विनर बन चूज़ करें, तो इसीलिए मुझे जितनी चीज़ें सच पता है वो तो मैं ज़रूर बोलूँगी। सो जब आप मिली थी, तो श्रुति और आसिम के बीच में कैसा रिलेशन था, या उनके भाई के साथ भी उन दोनों का कैसा रिलेशन था? श्रुति को जब मैं मिली थी, तो यही जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, वो लोग साथ में रह रहे थे, कितनी बार हमने देखा है साथ में उनको हग करते हुए, किस करते हुए, साथ में सोते हुए। तो मतलब मैं इतनी डम तो नहीं हूँ कि मुझे कोई बोलेगा कि नहीं हम तो सिर्फ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने खुद अपने मुँह से भी बोला है। इनफैक्ट हम लोग एक दो बार बाहर भी गए हैं, तो मतलब जितना मेरे सामने तब तो कभी कुछ उन्होंने छुपाया नहीं, बिकॉज़ आई एम श्योर तब बिग बॉस से रिलेटेड कोई बात चल नहीं रही होगी, तो तब उनको लगा नहीं होगा कि भविष्य में ऐसा सिचुएशन आने वाला है कि हम कुछ छुपाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन बोलते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, हर इंसान आपको किसी ना किसी रीज़न से मिलता है। तो शायद मैं उमर के लाइफ में इसीलिए आई थी ताकि आज मैं ये सारी चीज़ें खुलकर बोल सकूं। सो उमर और उनके भाई से भी कभी आप कहा था कि थोड़ा ऑन ऑफ उनका चल रहा है, उनके बीच में भी झगड़ा चल रहा है, तो ये क्यों था? उमर मतलब हमेशा बोलता था कि आसिम जो है बहुत ही गुस्से वाला है। जितना मैं आसिम से मिली हूँ, आसिम बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छी तरीके से उसने बात की है, लेकिन उमर हमेशा बोलता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। एंड जितना मैं उमर के साथ रहती थी, तो कभी फ़ोन आ जाता था कि भाई उससे श्रुति और उसकी लड़ाई हो गई है, तो मैं पूछती थी कि इतनी कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ होती है, तो बोला कि इनका ऐसे ही चलता रहता है, मतलब होगा शायद इनका ब्रेकअप होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब है कन्फ्यूजिंग है सिचुएशन, बोलती थी अच्छा ऐसा है। तो मतलब सिचुएशन कभी ऐसी थी ही नहीं कि उन्होंने मुझसे छुपाया, जस्ट बिकॉज आज आसिम बिग बॉस में है तो वो लोग हाइड कर रहे हैं कि उसका रिलेशनशिप है। और तो और श्रुति और उमर दोनों ने बाहर ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ये सब कुछ फेम के लिए कर रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आसिम उमर और श्रुति से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने इस इंडस्ट्री को 8-9 साल दिए है, तो आउट ऑफ नो वेयर वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं उनको मिली थी, तब किसी ने भी कुछ काम नहीं किया था, उमर सर्जन था, और मतलब उसका क्या कनेक्शन होगा मुझे फेम दिलाने से। तो ये तो बस एक मेडअप सी चीज़ है जो वो लोग क्रिएट करे, जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे बोला है तो उनको कुछ ना कुछ जवाब देना है, तो वो इस चीज़ में जवाब दे रहे हैं।